हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम आपका आपका अपने चैनल हिमाचली क्रिप्टो में। तो फ्रेंड्स, आज एक अपडेट लेके आया हूँ कि जो डीजीटी का ऑफिशियली वेबसाइट है उसके ऊपर जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो अलग है, और जिसमें हम अभी ट्रेड कर रहे हैं करंट में पैनकेक स्वैप के ऊपर या पूकॉइन के ऊपर, वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग है। तो मे बी ये जो इनका फ्यूचर प्लान है, जो इन्होंने इसका एड्रेस चेंज किया है, तो चेक कर लेते हैं इसकी थोड़ी डिटेल इस एड्रेस की। बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कोई भी कोर टीम, किसी कॉइन की कोर टीम होती है, वो इसका एड्रेस क्यों चेंज करती है। फिलहाल हम इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। और इसका पू कॉइन के ऊपर करंट में जो इसका लाइव रेट रहेगा या इसकी सप्लाई रहेगी या फिर होल्डिंग पैटर्न पूरा चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो इसका करंट प्राइस बता रहा है वो 50 सेंट बता रहा है, जस्ट लाइक ये अभी डेमो अकाउंट ही है इस डीजीटी टोकन का। हाँ, इसमें इसका एक चीज़ चेंज हुई है, वो इसका नाम भी यहाँ पे डीजीटी टोकन बता रहा है, जो पहले इसका नाम था ओनली डीजीटी। बाकी सप्लाई तो सेम ही है, उतनी है। बाकी इसका होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। तो अभी इसमें ट्रांसफर ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, और जो टोटल सप्लाई है अभी एक ही वॉलेट के ऊपर अवेलेबल है। जो फर्स्ट वॉल्ट है इसका मास्टर वॉल्ट, उसी के ऊपर अवेलेबल है। बाकी हल्की हल्की नीचे वाले अकाउंट के ऊपर भी है, जो 26 अदर अकाउंट है 25, बट जो पूरी क्वांटिटी है फर्स्ट वॉल्ट के ऊपर ही है। तो मे बी ये फ्यूचर प्लान हो सकता है डीजीटी की कोर टीम का। हाँ फ्रेंड, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ रीजन से, कुछ एक रीजन है कि कोई भी कॉइन का डेवलपर है वो कॉइन का एड्रेस चेंज क्यों करता है। जो फर्स्ट रीजन हो सकता है इसकी सप्लाई कम या ज़्यादा करने का, तब भी इसका एड्रेस चेंज हो सकता है। सेकंड है इसका, अगर इसके नाम में चेंज करना हो तब भी एड्रेस चेंज हो सकता है, या फिर इसके ऑडिट में प्रॉब्लम आ रही हो। अगर इनको अपना कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट करना है या फिर कॉइन गीको के ऊपर, तो उससे पहले एक ऑडिट होता है। अगर वो ऑडिट फेल हो रहा हो तो उसके रीजन से भी ये एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ ही है कम्युनिटी के लिए। बाकी ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि इसका एड्रेस चेंज हो गया है। हाँ, आपको अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप इसके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, ये 19 घंटे पहले की अपडेट है फिश टोकन से रिलेटेड। तो इसके ट्विटर हैंडल को आप फॉलो कर लो तो आपको यहाँ पे उनकी अनाउंसमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।